एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी अभी तक रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही ये मूवी विवादों में चली गई है। इसको लेकर एक पिटीशन फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसकी लेकर सिंगल बेंच ने इसको खारिज कर दिया है। सिंगल बेंच ने कहा है कि इसको डबल बेंच के पास ले जाया जाए। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए जानते हैं हमारे साथ जो लॉयर हैं अरुण मैत्री जी। अरुण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सिंगल बेंच ने आखिर इसको खारिज क्यों कर दिया? सिंगल बेंच ने खारिज नहीं ऐसे किया है, सिंगल बेंच ने लिबर्टी दी है। सिंगल बेंच की ओपिनियन थी कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर इन्वॉल्व हैं, जो हमने इश्यूज की उनकी फर्स्ट क्वेरी ऑनरेबल जज की सेंसर बोर्ड से थी कि आपके रूल्स क्या कहते हैं। उसको उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए, उनका हम पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। उसके बाद द जज फॉर्म्ड ओपिनियन कि पॉइंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व, इट शुड बी फाइल PIL। तो जैसे ही जज साहब ने लिबर्टी देने के लिए तैयार हुए, तो हमने वो पिटीशन विड्रॉ करके, बिकॉज ट्रेलर भी क्वेश्चन में है, अब फिल्म भी क्वेश्चन में है, ट्रेलर और फिल्म दोनों क्वेश्चन में, दोनों के ऊपर PIL आज फाइल कर रहे हैं और इट इज लाइकली टू कम ऑन वेडनेसडे, बुधवार को आने की इसकी पूरी, हाँ बुधवार को। सर, ये जो PIL आप लोग दाखिल करेंगे या जो मांग है, क्या है एग्जैक्टली, क्या चाहते हैं आप लोग? कि आप लोगों ने ये कहा कि ये जो प्रोमो है ये उचित नहीं है, संविधान का उल्लंघन है, तमाम चीजें रखी। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेलर से करीब 5 करोड़ जो YouTube पे क्लेम किया जा रहा है, 5 करोड़ लोगों ने व्यू किया है, तो ट्रेलर का इनका मकसद ये था कि कमर्शियल गेन के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट करें, हाइप क्रिएट करें, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से वो हाइप क्रिएट की है। YouTube की इम्पर्सोनेशन की पॉलिसी है, वो उसकी पॉलिसी के मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं कि YouTube इम्पर्सोनेशन नहीं परमिट करता, इनकी पॉलिसी है किसी वीडियो को अलाउ नहीं करते हैं। जहां यहां पर तो इम्पर्सोनेशन बिल्कुल सरेआम हो रहा है। साइंस स्टार अनुपम खेर कहता है कि आई एम डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड संविधान के हिसाब से मैं प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेता हूं, इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, पूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट की डिसरिस्पेक्ट। इस ट्रेलर का थीम क्या है कि UPA 1 के टाइम कुछ सस्पिशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि न्यूक्लियर डील, कश्मीर इशू या डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बड़े अजीब से, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एक सिटीजन की ड्यूटी है कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज Article 51A में हर एक सिटीजन बाउंड डाउन है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की रिस्पेक्ट करे। तो आप लोगों ने ये भी बात यहाँ पर ये भी रखी है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनका उनकी जो छवि है उससे धूमिल करने की कोशिश यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, आई ओन दीज वर्ड्स, क्योंकि इस किताब को मैंने भी अच्छी तरह पढ़ा है, एक एक वर्ड बाई वर्ड पढ़ा है। पूरी किताब के अंदर संजय बारू ने जैसा प्रोमो में दिखाया जा रहा है, फिल्म का नहीं पता फिल्म में क्या दिखाने जा रहे हैं, पर प्रोमो इज द ऑलमोस्ट जो भी फिल्म के बेस पे बना है, उसके अंदर इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने के लिए, जस्ट टू कंफ्यूज कि पब्लिक को क्या इंप्रेशन हो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ कैसे होते थे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने कहा कि वन फैमिली प्रोमो में रूल कर रही थी 70 साल से, वन फैमिली को ने कंट्री रूल किया है। इस कंट्री ने 8 प्राइम मिनिस्टर दूसरे देखे, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, PV नरसिंह राव, देव गौड़ा, चंद्रशेखर, वन फैमिली, यानी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, वर दे कनेक्टेड विद UPA 1, वर दे कनेक्टेड। इसमें आपका ये कहना है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक अंतिम सवाल और बहुत ही छोटा सा, कि संजय बारू की किताब के आधार पर ये जो फिल्म है ये बनाई गई है, ये कहना है, ये गलत है, क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये डिस्क्लेमर ही गलत है, डिस्क्लेमर इन्होंने बड़ा मैनिपुलेट किया गया है। वरना डिस्क्लेमर अगर आप किसी भी फिल्म में देखें, इवन TV चैनल्स में भी अगर आप डिस्क्लेमर देखें, किसी लाइव स्टोरी करते हैं तो वो व्हाट दे से कि अगर रिजेम्बलेंस होती है तो डेट इज नॉट इंटेंशनल। यहाँ तो रिजेम्बलेंस इन्होंने करके दिखाई है, ड्रेस कोड, यानी ड्रेस कोड कॉपी किया गया है, वॉइस कॉपी की गई है, उनका लाइफ स्टाइल कॉपी किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों को हार्म करने की कोशिश की गई है। वी कांट एक्सेप्ट कि डॉक्टर मनमोहन सिंह XPM जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, उसको कंट्री के PM को आप यू आर ब्रिंगिंग ऑन रोड्स। एक फॉरेन कंट्री में या किसी भी आउटसाइड इंडिया, व्हाट द इंप्रेशन दे विल कैरी अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर, कि यहां पर ऐसे, यानी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट से, और ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। सर, आप लोग प्रोमो और फिल्म दोनों पे स्टे लगाने, दोनों पे अब क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है, यूट्यूब इज ए पार्टी, यूट्यूब को किसी भी कीमत पे, आज भी मैं उम्मीद कर रहा था कि मैटर टेकअप होगा तो यूट्यूब वॉलंटरली दे विल विड्रॉ, बिकॉज इट्स ए नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूट कंपनीज, दे विल नॉट अलाउ कि कोई इम्पर्सोनेशन उनके यहाँ से कम, दे शुड नो इट कि इट कैन रेज टू एनी लेवल, कि इम्पर्सोनेशन के लेवल को उन्होंने कैसे परमिट कर दिया जी, जी। कि यूट्यूब ने अनुपम खेर को क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह मान लिए? उस वीडियो में वो
टाइम स्टार अनुपम खेर बार बार कहते हैं आई एम डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं ओथ लेता हूँ प्राइम मिनिस्टर की, इम्पर्सोनेशन का इससे जबरदस्त या कोई यानी ऑफेंस आईपीसी में पनिशेबल है, और वैसे भी कोई आदमी इम्पर्सोनेशन कर ही नहीं सकता, वो भी आप एक्सपीएम को कर रहे हैं। साइंस शुड हैव बीन मिस्टर अनुपम खेर शुड हैव बीन कॉशियस, आई मीन ही शुड हैव टेकन केयर की व्हाइल गिविंग दिस काइंड ऑफ ए। थैंक यू सो मच सर। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो है यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी, जिसमें कि डिवीजन बेंच ने कहा, सिंगल बेंच ने कहा कि आप इस मामले को डिवीजन बेंच पर ले जाए, जनहित याचिका है, जनहित याचिका के तौर पर, और ये मामला बुधवार तक आने की उम्मीद है, ऐसा कहना है पिटिशनर के लॉयर का। और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मूवी में जो कहा गया है, जो इस प्रोमो में जो दिखाया गया है, इस प्रोमो और मूवी दोनों को स्टेक किया जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री के छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। मैं सुचित्रा मुखर्जी, टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से, वीडियो जर्नलिस्ट योगी के साथ।